जी हाँ नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वो वीडियो जो है वो मैं btup.ac.in के माध्यम से, मतलब कि बोर्ड के होम वेबसाइट के माध्यम से मैंने बनाया था वो वीडियो। और उसी के मतलब कि जो नोटिफिकेशन आया था उस वेबसाइट पर, उसी के माध्यम से बनाया था। देखिए वही आज पेपर में उठ के आ रहा है, पेपर में उठ के ये आ रहा है कि पेपर की फोटो कॉपी से होगी पॉलिटेक्निक की परीक्षा। मतलब कि हमने बताया था कि स्कैन करके भेजा जाएगा, पहले जो होता था कि सिल करके आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देख रही है, ये वरिष्ठ संवाददाता कानपुर के माध्यम से है, यूपी के 2.28 लाख, मतलब कि 2,28,000 पॉलिटेक्निक छात्रों की परीक्षा कराने की कवायद शुरू हो गई है। बस इस बार पेपर की फोटो कॉपी से परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसको लेकर शुक्रवार को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से ट्रायल होगा। मेरठ छोड़कर सभी 250 सेंटरों में पेपर भेज जाएंगे, मतलब कि मेरठ को छोड़कर जितने भी 250 सेंटर हैं वहां पे फोटो कॉपियाँ भेजी जाएंगी, और भेजी जाने के बाद पेपर होगा। मतलब कि ये एक और चीज़ कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सबका पेपर होगा बाबू। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आगे भी न्यूज़ को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो मन तक बने रहें। लॉकडाउन को देखते हुए पेपर छपवाकर 250 सेंटरों में विभाजन लंबी कवायद है। इससे दूर करने के लिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने इस बार ऑनलाइन पेपर सभी सेंटरों को भेजने का फैसला लिया है। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि शुक्रवार को एक साथ ट्रायल के रूप में सभी 250 सेंटरों को जोड़ा जाएगा। मतलब कि शुक्रवार को 250 सेंटरों पे कुछ प्रैक्टिकल किए जाएंगे भेज करके। पूर्वानुमान एक होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हम लोग इसमें सक्सेस हो पा रहे हैं, या पेपर से कितना देर पहले उस सेंटर पे पेपर को भेजा जाए, एग्जाम से कितना देर पहले। फिर आगे कह रहा है कि पेपर पहुँचते ही संबंधित पॉलिटेक्निक का सेंटर तत्काल फोटो कॉपी करा कर उसे रखेगा, मतलब कि स्कैन पहुँचेगा वैसे वो फोटो कॉपी करा करके और रख लेगा, फिर छात्रों को देगा। सेंटरों को ऑनलाइन भेजे जाने वाले पेपर आधे घंटे या एक घंटे पहले भेजे जाएं, इसको लेकर फैसला नहीं हो सका। मैंने अभी बताया कि अभी ये प्रैक्टिकल किया जा रहा था कि कितना देर पहले भेजा जाए, ताकि स्कूल भी वो कॉलेज भी आराम से बच्चों को फोटो स्टेट करवा के और दे सके। और हाँ, सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि पेपर आउट ना हो, ठीक है। तो यही है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय आज का किया जाएगा ट्रायल। आज ट्रायल होगा, फिर देखिए अगली खबर क्या आती है। तो मेरी अगली खबर के लिए, पॉलिटेक्निक से जुड़ी अगली खबर के लिए मेरी वीडियो से जुड़े रहे। अगर मेरी वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।